भूमिका का निर्वहन किया है वैक्सीनेशन ने। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दो वैक्सीन दी हैं। स्वदेशी वैक्सीन किसी महामारी के लिए पहली बार भारत के अंदर देखने को मिली है और ये स्वदेशी वैक्सीन बहुत प्रभावी है। भारत की वैक्सीन, भारत में बनी हुई ये दोनों वैक्सीन बहुत प्रभावी है, दुनिया ने इसे सराहा है। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत लगभग 160 करोड़ वैक्सीन के डोज दे चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 यानी 24 करोड़ 54 लाख से अधिक डोजेज हम लोग अब तक वैक्सीन की दे चुके हैं और इसमें से अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में 32 लाख 77 हजार से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जो यहां पर अगर फर्स्ट डोज को हम देखें तो यहां पे लगभग 96% लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। यहां पर 56% से 57% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग के 2,57,000 से अधिक नवयुवकों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज यानी 60 साल से ऊपर बीमार लोगों को, 60 साल से ऊपर जो बीमार हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 13,783 यानी 62% लोगों को यह प्रिकॉशन डोज भी यहां पर उपलब्ध कराया जा चुका है। हम लोगों ने कुछ चीजें देखी होंगी, मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है, हां थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से पांचवें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के एक महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर देखने को आए हैं यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं, सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज हम सब प्रदेश के अंदर इस प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भी और अलीगढ़ में भी मैं देख रहा था एक जैसे सिनेरियो है, यानी कुल एक्टिव केस हैं उसमें से मुश्किल से 1% भी लोग हॉस्पिटल में नहीं है। लोगों की स्थिति खतरनाक नहीं है यानी उन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं बल्कि उन लोगों को सामान्य नॉर्मल स्थिति में भी आप उन्हें उपचार की सुविधा दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन या घर में सेपरेट होम आइसोलेशन में होने के कारण, घर में सेपरेट व्यवस्था न होने के कारण उन्हें वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर सामान्य रूप से सेपरेट व्यवस्था देने के लिए उन्हें आइसोलेशन की दृष्टि से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है और इसीलिए 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं, शेष अपने आप होम आइसोलेशन में शेष लोगों का उपचार सफलतापूर्वक हो रहा है और लोग बहुत अच्छे ढंग से तीसरे से पांचवें दिन नेगेटिव होकर के घर को जा सकते हैं। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है।
क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। पहली वेव रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।